हेलो एवरीवन, मैं हूँ शानिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं फैमिली लंच के लिए। आप देख सकते हैं प्रीशा कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। हम लोग पास में ही जा रहे हैं, इसीलिए हमने स्कूटी से ही जाना अच्छा समझा, क्योंकि हम लोग जा रहे थे मॉल और यहाँ पर हम लोग खाने वाले थे बारबेक्यू में। रेस्टोरेंट का नाम है फ्लेम एंड ग्रिल। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है और प्लस यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और सारे के सारे फूड जो होते हैं बहुत ही टेस्टी रहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ जाने के लिए, लेकिन जब मैं मॉल आ रही थी तभी ही मैं देख रही थी रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और स्पेशली मॉल के पास तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, जिससे मुझे पता लग रहा था कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है मॉल में। ऐसा पहली बार हुआ कि लिफ्ट के आने का हमें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। काफ़ी टाइम बाद लिफ्ट आया और अब हम लोग ऊपर आ गए। हम लोग डायरेक्ट फ्लेम एंड ग्रिल जहाँ पर है उसी फ्लोर में हम लोग पहुँचे। प्रीशा मॉल को अपना प्लेग्राउंड समझती है, ये यहाँ पर आकर इतना ज़्यादा खुश होती है और खेलना कूदना, कभी इधर भागना कभी उधर भागना, और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये वही कर रही है। अब वापस से ऊपर फूड कॉर्नर में जाकर कुछ खाना होगा। क्या कुछ भी सडन नहीं होता है, आपको पहले से प्री प्लान करना पड़ता है, टेबल बुकिंग करो। जब हम ऊपर पहुँचे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इसीलिए मेरा इतना मूड ख़राब हो गया कि मैं वहाँ पर कुछ शूट भी नहीं कर पाई। मैं फटाक से नीचे आ गई, बोले नहीं मुझे यहाँ पर खाना ही नहीं है, एक तो इतनी लंबी लाइन ऊपर से परेशान रहो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि पास में ही एक अरसलन रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी अच्छा है, तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और ये है मॉल का एग्ज़िट गेट जो कि काफ़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है। हम लोग वहाँ निकलने के बाद हमने डिसाइड किया कि स्कूटी को वहीं पार्किंग एरिया में ही रहने देंगे और हमने पकड़ा ऑटो, और ऑटो के फ्रंट सीट में बैठने का तो एक अलग ही मज़ा है। बस 2 मिनट की ही दूरी पर यह अरसलन रेस्टोरेंट था और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आ गया नंबर और अब हम जा रहे हैं अपने टेबल की तरफ। बहुत जोर की भूख लगी है सच में, इधर बड़ा सुहाना हो गया। चलो चलो अपने टेबल पर बैठ चुके हैं और अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या मंगाना चाहिए। तो मैं तो यहाँ पहली बार आई थी, मुझे यहाँ के फूड के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को पता था। तो हमने फर्स्ट जो स्टार्टर में ऑर्डर करा वो किया फिश टिक्का, और हमारा जो मेन कोर्स था उसमें हमने ऑर्डर किया यहाँ की स्पेशल अरसलन बिरयानी और चिकन कोरमा और चीज़ नान। प्रीशा भी यहाँ डिसाइड कर रही कि उसे क्या चाहिए। इसके साथ कहीं भी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सब सारे जगह को अपना प्लेग्राउंड ही समझती है। इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है। वीडियो देख, अब नहीं खिलाना नहीं खिलाना। थोड़े ही इंतज़ार के बाद हमारा टेस्टी टेस्टी सा फूड आना शुरू हो गया। यहाँ सबसे पहले आया है फ़िश टिक्का। ये फ़िश टिक्का के लिए जो स्पेशल चटनी है वो है और सैलड है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है देखने में। आई लव अरसलन।
अरे गिरा दे। विशु क्या खाएगी? आइसक्रीम। खाना जितना ही खूबसूरत दिख रहा है ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी था, और हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और हमने बहुत इन्जॉय किया फूड को। और लास्ट में हमने बेवरेज लिया। खाने का शौकीन कौन नहीं होता, अच्छे खाने का शौकीन। मैं तो बहुत ही ज़्यादा फूडी हूँ, आई लव फूड। इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत था और यहाँ की सर्विस भी मुझे पसंद आई, इसीलिए मैं इस रेस्टोरेंट को 5 में से 4 स्टार्स दूंगी। देखो बेटा, बहुत तंगी है, बहुत ज़्यादा परेशान। क्या है तुम्हारे हाथ में, दिखाओ। टूथपिक का क्या करोगी, तुम तो कुछ खाई ही नहीं। पापा को सब कुछ पापा को कराना है। कभी मौका मिले तो यहाँ जरूर आइएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए। बाय।